हेलो गाइस, तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में जो हमारा कैमरामैन रहेगा ये हमारा ये दोस्त रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हम आए हैं अपने फरीदाबाद के सबसे नंबर वन स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो दोस्तों आज मैं आपको इस बढ़िया हेलो सर हेलो ये हमारे मनोज सर है, ये हमें SST और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। आपको इस स्कूल का पूरा चप्पा चप्पा दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हम आए हैं अपने फरीदाबाद के सबसे नंबर वन स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी ब्लॉग दिखाने वाला हूँ कि इसके स्कूल में मतलब कितने कमरे हैं और जो इसके स्कूल के जो टीचर्स लोग हैं वो कैसे। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में जो हमारा कैमरामैन रहेगा ये भी हमारा ये दोस्त रहेगा जिसका नाम है सोम पांडे। ये भी इसी स्कूल में पढ़ता है और मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी हम दोनों पढ़ रहे हैं 11th में, पहले हम 3 साल हो गए हमें पढ़ते हुए, लेकिन मैं बता दूँ आपको यह स्कूल बहुत अच्छा है और मैं आपको आगे की बात चलते चलते बताऊँ। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कि अभी हमारे स्कूल की मरम्मत हो रही है। अभी पहले ये ऐसा नहीं था गेट, अब ये गेट ऐसा बन रहा, वरना पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले हमारा स्कूल ऐसा था, आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ये इनसे करेंगे। हेलो आंटी, हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। तो यहाँ पर अभी ये पार्किंग का नया बन चुका है, पहले ये सब नहीं था यहाँ। पहले हम कबड्डी सब खेलते थे, अब यहाँ पर पार्किंग का बन चुका है, अच्छी बात। और हम स्कूल में बहुत ज़्यादा पर्यावरण को देख रेख कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ये पेड़ बच्चों ने मिलकर लगाया है, ये कोई स्पेशल लोग नहीं आए थे लगाने के लिए, सब बच्चों की मेहनत है। ये पेड़ जो आजकल इतना हुआ है, ये सारी जो कार खड़ी है ये हमारे स्कूल के TS की कार खड़ी है। ये हमारा एंट्रेंस गेट है स्कूल का, और ये हमारा दोस्त है और ये मनोज सर आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो। ये हमारे मनोज सर है, ये हमें SST और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे सर हैं, अभी हम आपको सारे सर से मिलाएंगे। हमारे स्कूल में बहुत सारे सर हैं, बहुत ही ज़्यादा होनहार सर हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, पकड़ ले। और यहाँ पे रिजल्ट के वो लगे पड़े हैं चार्ट सब। अगर आप इस स्कूल में पढ़ते हो तो आप देख सकते हो, अगर आपने पेपर वेपर दिया हो तो रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम लिखा पड़ा है, क्लास 11th एंड 9th विल बी अनाउंस ऑन 17 तारीख को होगा। आ जाओ आगे आगे चलो। तार यार तार फंस रहे हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे भी थोड़ी स्कूटी सब पार्किंग होती है, और यहाँ पे अच्छी अच्छी ड्राइंग बनी पड़ी है। आपको इस स्कूल का पूरा चप्पा चप्पा दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्लास 9th का रूम है। ये अभी बंद पड़ा है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि टाइलें वाइले सब लगी पड़ी है, अभी बेंच वेंच सब बिखरी हुई है, क्योंकि अभी बात किसी भी स्कूल खुला नहीं है। और ये हमारा केमिस्ट्री, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, वो बंद पड़ा है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी केमिस्ट्री की रूम है। अभी तक बच्चे सब आ नहीं रहे, इसलिए थोड़ी बहुत धूल वूल लगी पड़ी है। कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे सब सब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारी 10th क्लास है और यहाँ पर ये हमारा आई का डायग्राम बना पड़ा है। ताकि बच्चे जब घूमें तो बच्चे घूमते घूमते ही पड़े, इसलिए हमारे स्कूल में ऐसी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी पड़ी है। ये बच्चों के लिए भी सब लगा पड़ा है कि बच्चे घूमें तो पढ़ सकें दीवार पे से। और ये हमारी रूम नंबर 20 है, ये जो कि क्लास 8 है। और ये सब आगे से बच्चों की क्लास पढ़ी है, ये प्राइमरी क्लास है। और अभी सारी क्लास बंदी हुई पड़ी है। तो यारो, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा, मतलब क्या कहे, इतना ज़्यादा मतलब पर्यावरण के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी बढ़िया फैसिलिटी है पानी वानी पीने के लिए। और यहाँ पे टंकी लगी पड़ी है, अभी नई नई टंकी लगी है। और यहाँ पर आर ओ का अपना खुद का सिस्टम बना दिया है इन्होंने, हमारे स्कूल वालों ने। यहाँ पर किसी को भी पानी पीने की कमी नहीं पड़ेगी। इतनी भी ड्राम ड्राम डाल रखे हैं यहाँ पे, वाटर कूलर है। और यहाँ पे 10-10 टोटी लगा रखी है ताकि बच्चे जो हैं भीड़ में ना लगे। अब हम चल रहे हैं अपने नए वाले रूम में जो कि आगे है। वो हमारा आगे वाला स्कूल है जो अभी कुछ ही साल पहले ही बना है। चलो वहाँ चल रहे हैं एक बार। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो ये कितना बढ़िया ड्राइंग है, ये महाभारत का ड्राइंग है। और अब हम जा रहे हैं आगे वाले स्कूल में जो कि कुछ साल पहले ही बना है। ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है आंटी जी। और अब हम आपको ले जा रहे हैं आगे वाले। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेज है। जब हमारे स्कूल में कभी भी परफॉर्मेंस होती है तो यहीं पे परफॉर्मेंस होती है। और अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस होती है तो यहाँ पर बढ़िया सा स्टेज बना देते हैं, टेंट वेंट सब लगा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आगे यहाँ पर सारे बच्चे बैठाते हैं। और अब हमारा आगे भी बन रहा है एक, इससे भी बड़ा स्टेज आगे बन रहा है हमारे आगे वाले ग्राउंड में। यह बंद पड़ा है क्योंकि अभी नया गेट लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा दिखा देते हैं इनको यहाँ से स्टेज कैसा है। ये देखिए दोस्तों, अभी बढ़िया सा स्टेज है। अभी आप ऊपर से दिखा देंगे, यहाँ से दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ये हमारा दूसरा कॉरिडोर है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। और ये हमारा स्टाफ टॉयलेट बंद पड़ा है अभी। और ये हमारे सतवीर अंकल है, हमारे स्कूल की देखरेख करने वाले। कैसे हो अंकल आप? बढ़िया। अभी बात कर रहे हैं, अभी हम इनसे बात नहीं करेंगे। और ये हमारा टॉयलेट है, अभी थोड़ा इसकी मरम्मत चल रही है। और ये हमारे सतीश अंकल का रूम है, यहाँ पे सतीश अंकल सोते हैं, सतवीर अंकल। और ये रूम नंबर 5 है यहाँ पर। और आगे भी, और यहाँ से आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ तो है नहीं आगे, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए खाली खाली है, लेकिन आगे आगे चल रहे हैं, आ जा। अबे रुक। और यहाँ से देखिए पीछा है हमारा, स्कूल के पीछे का ग्राउंड है, आगे चल रहे हैं, आ जाओ। और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इस स्कूल का सबसे बड़ा ग्राउंड में, जहाँ पर हम हमारे यहाँ पर एथलेटिक कम्पटिशन भी होती है। और हमारे बहुत सारे यहाँ पर कंपटीशन होते हैं, रेस भी, रेसिंग ट्रैक है यहाँ पे। और ये रहा हमारा हरा भरा सा ग्राउंड है, ये इतने सारे मतलब पेड़ पे ध्यान दिया गया है इन्होंने। और ये रहा हमारा दूसरा स्टेज, ये बहुत बड़ा स्टेज है। अभी तो यहाँ पे और मरम्मत चालू हुई है, अभी यहाँ पे रेसिंग ट्रैक में और यहाँ पे वो लगनी बाकी है, ईटी वीटें। और दोस्तों, अगर हमारे स्कूल में कहीं काम होता है तो हम पानी इस लेते हैं, पहले हम पानी भर देते हैं इसके अंदर और फिर इसी पानी से काम करते हैं स्कूल के लिए। और थोड़ा यहाँ से अपना स्कूल का व्यू दिखा दो। ये हमारा दूसरा वो दूसरा गेट हमारा वो रहा स्कूल का। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारे स्कूल में
योगा क्लास भी सिखाते हैं। अगर आप इस स्कूल में पढ़ते हो तो आप तो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह 6 या 7 बजे गूगल मीट पे या फिर जूम पे सर जी हमें योगा क्लास सिखाते हैं। ये पंचिंग बैग है, यहाँ पे पंचिंग बॉक्सिंग सब होती है यहाँ पे, और यहाँ पर हनुमान जी की भी टाइल लगा दी गई, पहले तो नहीं थी, अभी लगाई, कुछ ही दिन हुए लगाए हुए। और यहाँ से भी अपना स्कूल दिखा दे रहे हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा स्कूल है, यहाँ पर स्कूल बड़ा है, और स्कूल तो बड़ा है ही है, लेकिन जो हमारे टीचर है वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ये हमारे वसीम सर जी है, वो बायोलॉजी के मास्टर हैं, उन्होंने PhD कर रखी है, और हमारे दीपक सर है, उन्होंने मैथ पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैथ के ज्ञानी है, उन्हें वैदिक मैथमेटिक भी सिखाते हैं बहुत। वो हमारे हरियाणा के सर को सिखाते हैं वैदिक मैथमेटिक, मतलब आप जान सकते हो कि कैसे, मतलब हमारे सर स्कूल के, और हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानी सर प्रिंसिपल सर, वो हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, मैथ के भी ले लो, मतलब मैथ का मतलब ज़्यादा है, ऑफिशियल मतलब मैथ के हैं, बाकी सबका तो उनको ज्ञान है ही है, और वो बहुत ही अच्छा मतलब लेक्चर देते हैं किसी भी इस पर स्टेज पर, मतलब वो बिना हिचकिचाहट के, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब। और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से, दीपक सर से और वसीम सर से, चलिए आ जाओ। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, यहाँ से जन क्लास था ये रहा। ये जो सीढ़ी है ये सीढ़ी नहीं है, मतलब ये आपको पता है क्यों बनाया गया है, ताकि जो मतलब डिसेबल बंदे हैं, जिनके मतलब पैर मतलब सिर्फ चल नहीं पाते, वो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो चलाते हैं 3 पहिये वाली जो होती है वो चलाते हैं, तो उनके लिए सही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर सीढ़ी होती तो मतलब वो नहीं चला पाते, इसलिए इसको देख रेख में बनाया है ताकि सब बंदे इसका यूज़ कर सकें। हाँ, तो अब हम आपको ऊपर से दिखा दे रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा, ये हमारा स्टेज का रूफ है, हाँ ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर है, ये देख सकते हो, और इमरजेंसी के लिए यहाँ पे पानी का भी पाइप दे रखा है, कि मान लो आग वाग लगी तो तुरंत करके स्टार्ट करके सब आग बुझा सकते हैं। और ये हमारे स्कूल का छत है, ये पुराने स्कूल का छत है, ये नया स्कूल है, मतलब नया बनाया ये स्कूल, वो पुराना स्कूल था, नई बिल्डिंग है। और हम हाँ इस स्कूल इस साल रूम में पढ़ते हैं, ये 11th क्लास की रूम है, वरांडा नंबर 4 है ये, और यहाँ से आप अगर लंच वंच हो रहा हो तो हम यहीं पे खड़े होके हरे भरे पेड़ पौधे का नज़ारा देखते हैं, और यहाँ से हवा भी खूब मस्त आती है, मतलब बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर। आप अगर टेंशन में हो, अगर यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा देर बैठ जाओ, खड़े हो जाओगे तो आपकी सारी टेंशन थकान सब दूर हो जाएगी। और अब आगे ले जाते हैं, एक बार आपको वहाँ से भी दिखा दूँ व्यू, वहाँ से कैसे दिखता है आपको, यहाँ से तो वैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस स्कूल में ये स्कूल जो है स्कूल ही बढ़िया नहीं है, स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। पिछली बार हमारी इस बार तो सब बच्चे का 500 में से 500 नंबर आए हैं 10वीं में, और पिछली बार भी हमारे एक बच्चे का 98% तक आ चुके थे, और उससे पिछली बार एक बंदे के 99% आ चुके थे 10वीं में। तो आप इससे लगा सकते हो अंदाज़ा कि हमारे स्कूल में कितने अच्छे मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ लग रहा है, हमारे स्कूल में पेड़ है इसलिए हमारा स्कूल और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सेक्टर 55 के घर का लुक दिख रहा है यहाँ से, एक बार पूरा घुमा के दिखा दीजिए। अब आपको
अब हम आपको ये वाले इस वाले में जगह पे ले जाएंगे आपको। तो ये हमारा बॉयज़ टॉयलेट है, अब इसकी मरम्मत हो ही रही है, जैसे मैंने आपको पहले कह चुका है वीडियो में। और ये हमारी इंग्लिश लैब है और ये हमारी इधर कंप्यूटर लैब है। वैसे ये जो लैब है बहुत ज़्यादा लग्जरी लैब है, क्योंकि इसके अंदर एसी भी है और मतलब हर एक बेंच पे एक कंप्यूटर है। और ये हमारा कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर होता है। अरे वही कंप्यूटर। और इसमें हम 11th कॉमर्स पढ़ती है, इसमें रूम नंबर 10 है। और ये हमारे भारत के महावैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन। और ये क्लास 9th रूम है। अरे यार दिमाग चटका रहा था। और यहाँ पे दिखा, यहाँ पे। और ये हमारी टेनिस वाली ग्राउंड है, कोर्ट है। यहाँ पर हमारे स्पोर्ट डे में यहाँ पे टेनिस खेलते हैं।